अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मशहूर और मारूफ एलिज़ा शाह का लेटेस्ट धमाकेदार गाना अपने ही अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाने की शुरुआत होती है साहिर अली भगा की अरसलान नसीब के चुपके ड्रामे की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करते हैं और CBI का आला तरीन नारा भईवा का मुजाहरा करते हुए ज्वेलरी सारी की सारी खुद पहन के चले गए हैं। इससे एलिज़ा बहन को खाली बनियान के साथ एक अदर बालियों का जोड़ा ही मिल सका। एलिज़ा शाह की एंट्री किसी बदबूदार जगह पे होती है। नाक सुकेड़ के बदबू को भगाने की नाकाम कोशिश के साथ साथ कातिल अदाओं का मुजाहरा उंगली के इशारे से तीर की शक्ल में सीधा दिल में वजने की ट्राई के साथ होता है। दो गिटार वाले बाबे अपने फन के मुजाहरे में मशगूल हैं। एक बाबे ने काला चश्मा एलिज़ा के तीरों से बचने के लिए लगाया हुआ है। बांसुरी की धुन सुन के साहिर जी गहरी सोच में नजर आए क्योंकि बैकग्राउंड में हमें बांसुरी कहीं नहीं सुनाई देगी। वेल्डिंग के अला लश्कारी इस बात का अदली सबूत दे रहे हैं कि लो बजट स्कीम के तहत गाना किसी लो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर बनाया गया है। साहिर जादुई आवाज़ में गाने के सुर बिखेरने के साथ साथ तालियां बजा बजा के खुद को खुद ही खराज तहसीन देते हुए और एलिज़ा अपनी मस्तियों में गुम सारे गाने को अपने ऊपर पोर्ट्रेट करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ नजर आई। विक्ट्री का निशान बना के मैदान में कबूतर अपनी आला सुरीली आवाज को निकालने की कोशिश के साथ साथ फिर से बदबू भगाने के लिए नाक सुकेड़ के बदनामिया का रुख अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब नजर आई। सुर की सारी चीप ऐ निकाल के मजे से सारी बदनामियां समेट के खुश और आंखें मार मार सारे नेगेटिव कमेंट्स की धूल उड़ाने में मशगूल, जबकि साहिर ये सब सुन के लाइटों वाले केज में कैद हो गया कि कहीं बदनामियां उसकी तरफ रुख ना मोड़ ले। साथ साथ सारा बजट खुद पे उंडेर के कपड़े काले से सुर्ख हो गए। अपना पियानो भी इसी केज में मंगवा लिया कि बाहर गया तो कहीं कोई दुबोश ना ले। अंधे भाई और ढोल वाले ढोल पीट पीट के मर गए कि खुद तो कोरोना से बचने के लिए शीट का सहारा ले लिया, कोई हमें भी बचा ले। आखिरकार तोपों का रुख स्टेज की तरफ मोड़ दिया जाता है और एलिज़ा बहन पर भी बजट का चुन्ना मुन्ना सा खर्चा करके स्टेज पे तेल का चोपड़ा लगा के खड़ा कर दिया जाता है। गाना सुन के वहाँ बेहाल नजर आई, कभी उल्टी छलांगे कभी कमर के बल छलांगे। नीले सूट वाली बहन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पीटी करूँ या डांस करूँ, तो जो समझ में आ रहा है वही करी जा रही है। आखिरकार साहिर के मुँह पे सच आ गया कि क्यों एलिज़ा को काली बुनियान पहनाई गई। गलती ऐसी कि काला जोड़ा पास साड़ी फिर मैच थी तो हमारी बहन को काले सूट में यही पीस मिला और पहन के सामने आ गए। लेकिन अवाम हमारी इतनी सीधी सादी चुन्नी मुन्नी काकी है कि ऐसी चीज़ें देख के अस्तगफिरुल्लाह का वर्द करती सड़कों पे भाग गई। 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ गाने को दे के थम्स अप पर भी लाइक करना फर्ज समझते हुए कपड़ों का नाजेबा कहना भी अवाम का अपना ही शुगल है। लेकिन हम समझते हैं कि पहली नज़र अगर गलती से पड़ जाए तो कोई गुनाह नहीं और इस पहली नज़र को हटाने की गलती हम गलती से भी नहीं करते। घुरियाँ बटने और ताड़ने का हसीन मौका हम कभी नहीं गंवाते। साहिर भी इस कैटेगरी में शामिल होते हुए दिल ही दिल में जोड़ी का टांका सेट कर रहा है और एलिज़ा भी खुश करने को कहती है कि तेरे नाना दा लॉकेट गले विच पाया, जबकि बीबी ने कोई लॉकेट से छोड़ चेन तक नहीं पहनी। प्यार वाले यार के साथ मस्तान बेड़ने की बात होती है, लगता है घर वाले ऐसी बहू को लाने की इजाज़त नहीं दे रहे। दिल की शक्ल बना के दिल दुखने का इशारा करके एलिज़ा उसी दिल को हाथ के इशारे से धकेल के फिर से बदनामी को दावा देकर खुशोखुरम गाने को अलविदाई सलामी देकर रुखसत होने के साथ साथ गाने की भरपूर कामयाबी के झंडे गाड़ती नजर आई और इसी के साथ साथ गाने का इख्तिताम हुआ और वाम के कानों को सुकून नसीब हुआ। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो लाइक के बटन को लाइक करने की कोशिश के साथ साथ सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दबा के काला कर दें, बिल्कुल एलिज़ा की बुनियान की तरह। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नए नकोर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।